Now let's move on the next question. Question number five: Find the coordinates of the point R on the line segment joining the point P and Q such that 5PR equal to 3Q. 3PQ. Here two points are given P and Q, and the coordinate of P is minus one comma three. मा फाइव हमने एक लाइन सेगमेंट से इनको ज्वाइन किया अनदर कोई पॉइंट है आर ठीक है ऑन द लाइन सपोज वो यहां पर है आर की कोर्डिनेट करते हैं कंसिडर एक्स कॉमा वाई लेट आर एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ठीक है अब देखो हमें क्या करना है हमें आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एक कंडीशन भी गिवन है देखो क्या कंडीशन गिवन है फाइव इंटू पी आर इक्वल टू थ्री इंटू पी क्यू देखो हम इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव अब देखो आपको एक आइडिया लगा होगा यहाँ से कि हमारे पास रेशो गिवन होता है ठीक है और एंड पॉइंट्स गिवन हो लाइन सेगमेंट के तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं बट रेशियो के लिए देखो हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमें रेशियो की रिक्वायरमेंट है पी आर अपॉन आर क्यू ठीक है इस रेशियो की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है देन हम अपना सेक्शन फॉर्मल अप्लाई करेंगे बट यहाँ पर तो हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो पी आर अपॉन पी क्यू का रेशियो गिवन है अब देखो हम अपने रिक्वायरमेंट रेशियो को कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो ध्यान से पी क्यू की हमें नीड नहीं है तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी आर प्लस आर क्यू ठीक है थ्री से मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो थ्री पी क्यू इक्वल टू थ्री पी आर प्लस थ्री आर क्यू अब देखो थ्री पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है फाइव पी आर तो यहाँ पर पुट करो फाइव पी आर इक्वल टू थ्री पी आर प्लस थ्री आर क्यू तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री फाइव माइनस थ्री यानी टू पी आर इक्वल टू थ्री आर क्यू अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू थ्री बाई टू ठीक है जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो रेशो में फाइंड आउट हुआ कितना हुआ थ्री बाई टू आप देखो ध्यान से ये हमें पता है थ्री और ये है हमारे पास टू तब डायरेक्टली क्या अप्लाई करो सेक्शन फोर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली थ्री क्या मूव करेगा यहाँ पर और टू इस टाइप से ठीक है आपको अप्लाई करना मैंने बताया हुआ है देखो क्या हो जाएगा ये पॉइंट है हमारे पास पी पी के कोऑर्डिनेट लिखो माइनस वन कोमा थ्री एंड क्यू है हमारे पास टू कोमा फाइव आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और रेशो हमारे पास गिवन है थ्री रेशो टू तो अप्लाई करते हैं तो R के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे थ्री इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू ठीक है एंड ऑर्डिनेट क्या होगा थ्री इंटू फाइव प्लस टू इंटू थ्री बाई फाइव ठीक है तो आर क्या हो जाएगा आर की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे थ्री टू जा सिक्स माइनस टू यानी फोर बाई फाइव को फाइव थ्री जहा फिफ्टीन प्लस सिक्स यानी कि ट्वेंटी वन बाई फाइव ठीक है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी फोर बाई फाइव एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी वन बाई फाइव ठीक है और आर पॉइंट की हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे क्लियर है बात बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि हमें जो रेशो गिवन था वो हमारी सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग गिवन नहीं था मैंने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट किया देन डायरेक्टली मैंने सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया ठीक है